हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पेटीएम क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट रिसीव व रिफंड को रिटेल ग्राफ में किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। आइए अब हम सबसे पहले क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट रिसीव कैसे करते हैं यह जानते हैं। सबसे पहले आप सेल में सेल इनवॉइस को क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। अब हम कस्टमर का नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट के साथ साथ क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। अब हमको ऑन कैश से सिलेक्शन रिमूव करके कार्ड यूपीआई को सेलेक्ट करना है। अब आपको कार्ड टाइप में पेटीएम क्यूआर सेलेक्ट करना है, फिर आप इसे सेव कर देंगे। इसे सेव करते ही सिस्टम आपको एक क्यूआर कोड जनरेट करके देगा। अब आप इसे फोन से स्कैन करेंगे व पेमेंट इनिशियलाइज करेंगे और यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो मैसेज आएगा पेमेंट सक्सेसफुल, और यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो मैसेज आएगा लुक्स लाइक द पेमेंट नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली, प्लीज वेट व्हाइल वी चेक द ट्रांजैक्शन विद द बैंक। आइए अब हम देखते हैं कि क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट रिफंड कैसे करते हैं। अब आपको सेल को सेलेक्ट करके पेटीएम हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। यहाँ आप ट्रांजैक्शन डेट वाइज देख सकते हैं। अब यहाँ आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसका अमाउंट हमें रिफंड करना है, जो कि हमने क्यूआर कोड से किया है। अब आपको रिफंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो एक मैसेज आएगा कि रिफंड रिक्वेस्ट वॉज रेज सक्सेसफुली फॉर दिस ट्रांजेक्शन बट इन पेंडिंग स्टेट। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपके पास रिफंड स्टेटस का टैब एक्टिव होगा। इस पर क्लिक करते ही एक मैसेज आएगा कि रिफंड सक्सेसफुल। अब आप ट्रांजेक्शन में रिफंड स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे तो जो ट्रांजेक्शन आपने सेलेक्ट करा था वह रिफंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो में क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट रिसीव व रिफंड कैसे करते हैं यह देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली विजिट एट www.swindia.com।